तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे एक नई वीडियो में। तो आज अपन लोग आए हैं R15V4 की क्रैश गार्ड टेस्ट करने। हाँ, तो भाई आज आप लोग R15 को हम लोग गिराने वाले हैं। तो इसमें लगा ये वाला क्रैश गार्ड जो कि हमने HT एग्जॉस्ट से मंगाया था, तो कॉस्टली पड़ा था हम लोगों को, लेकिन क्या इतना पैसा हमारा वर्थ है या नहीं, वो आज हम लोग टेस्ट करने वाले इसको, कि हमारी गाड़ी को सेफ कर पाएगा या फिर हमको सेफ कर पाएगा कि नहीं। तो भाई आज अपनी R15 को हम लोग गिराने वाले हैं। तो अपने R15 को आज अपन लोग गिराने वाले हैं, इसका क्रैश टेस्ट होगा और इसका क्रैश गार्ड कैसे परफॉर्म करता है। तो भाई इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी थी मेरे को, क्योंकि एक बार ये हल्का सा क्रैश हुआ था, ये बैंड हो चुका था, तो इसको मैंने फिर से गर्म करके सीधा करा के फिर से लगवा दिया। बट फिर भी इसकी अब टेस्ट करने वाले हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी नॉर्मली इसका क्रैश कराएंगे अपन, देखते हैं क्या होता है। पहले गाड़ी को गिरा के देखेंगे कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमारा पैर वगैरह सुरक्षित रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो इसका जो बाहर निकला इसका जो स्लाइडर है वो गाड़ी को थेम लेता है, तो यहाँ पे अपना जो पैर रहता है वो सुरक्षित रहता है। तो देखते हैं कितना स्पेस होता है ज़मीन के बीच में जब ये आता है सामने में, जब गाड़ी को अपन गिराएंगे। तो फिलहाल देखते हैं गाड़ी को गिरा के तो कैसा परफॉर्म करता है, कि ये गाड़ी को क्रैश से बचा सकता है यानी क्या, गाड़ी पर स्क्रैच आएंगे या नहीं, तो देखते हैं। तो भाई गाड़ी को गिराने से पहले एक ही अनुरोध है कि आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर भी कर दो। तो चलो अपन लोग गाड़ी को गिराते हैं। तो फिलहाल पहले हटाते स्टैंड और अब फाइनली गाड़ी को गिराने वाले। चलो पास से देखते हैं कि गाड़ी को कहाँ से स्क्रैच लग सकते हैं। तो पहले भाई यहाँ INAP स्क्रैच आएगा, आईना पूरा जमीन पे आ चुका है, आईने पे आएगा स्लाइडर यहाँ से बचा देगा यहाँ से, और उधर नीचे स्लाइडर पूरा रखा हुआ है तो अपना टैंक बच जाएगा, यहाँ से अपना पूरा पैर बच जाएगा, और पीछे यहाँ पे ग्रैब रील लगा है तो यहाँ तक नहीं पहुँचे, नीचे नहीं आया। भाई रुक गए थे, गाड़ी गिर गया क्या करके, चलो कोई नहीं। तो यहाँ से पीछे ग्रैब रेल है तो पीछे वाला भी सुरक्षित है, और इस साइड से दिखा देता हूँ पीछे से कैसा आ रहा है। भाई पीछे से पूरी गाड़ी देख सकते हो, पूरी ऊपर है गाड़ी, पूरे स्लाइडर के ऊपर टिकी हुई है, तो स्लाइडर पूरी गाड़ी को ऊपर कर लिया है, तो गाड़ी में कुछ ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं आएगा और जो राइडर रहेगा वो भी पूरा सेफ रहेगा। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख लो पूरा स्लाइडर पर टिका हुआ है गाड़ी, देख लो स्लाइडर पर टिका और बाकी गाड़ी ऊपर है, स्लाइडर ने पूरा थाम के रखा है, सामने से देख सकते हो कैसा आ रहा है, तो रुक के जा रहा है क्या हुआ करके, देख लो गाइस स्लाइडर के ऊपर पूरी गाड़ी टिकी है, इंडिकेटर टच हुआ है बट वो कुछ डैमेज नहीं होगा, छोटा मोटा स्क्रैच आ सकता है, बाकी ठीक है कुछ नहीं इंडिकेटर को, गाड़ी का पूरा बॉडी ऊपर है भाई, पूरी बॉडी सेफ है क्रैश गार्ड की मदद से, बस आईने में स्क्रैच आएगा सामने और ये हैंडल बार भी थोड़ा सा स्क्रैच आ सकता है, बाकी उसमें लगा है गार्ड तो सुरक्षित रहेगा। तो बाकी देख सकते हो कैसा होने वाला क्रैश और कितनी सुरक्षित रहेगी बाइक, तो एक बार मैं खुद जाके देखता हूँ कि मैं कैसे रहूँगा, अगर राइडर अगर मैं उसको बैठूँगा तो मैं कैसे रहूँगा। तो फिलहाल अब टाइम है पिलियन का देखने का, जो राइडर रहेगा इसमें वो क्या सेफ रहेगा या नहीं, तो पहले आप राइडर का चेक कर लेते क्या होने वाला है। तो राइडर जो है यहाँ पर रहेगा, तो पहले राइडर का जो डैमेज होता है वो पैर होता है, तो पैर को देख लेते। तो गाइस पैर यहाँ पे मेरा इजीली पूरा जा रहा है, तो पैर एकदम सुरक्षित है और दोनों पैर जाएगा यहाँ पे, तो इतना स्पेस है कि दोनों पैर घुस गए, गाइस पैर यहाँ पे सुरक्षित रह जाएगा अपना, और राइडर कुछ ऐसा होने वाला है। ये रहेगा राइडिंग पोजीशन, तो राइडर भी यहाँ पे सेफ रहेगा दोस्त, राइडर का ना पैर कुछ हो रहा है ना कुछ बॉडी कुछ डैमेज होगा, हेलमेट रहेगा तो सर भी बच जाएगा और बाकी सब सेफ रहेगा। तो यहाँ पे लोग बार बार रुक रहे हैं यार, क्या हो गया करके, तो जल्दी से करते वीडियो शूट। तो पिलियन
यहाँ पे जो राइडर रहेगा वो भी सेफ रहेगा और पिलियन भी यहाँ पे सेफ रहेगा, क्योंकि पीछे वाला भी, पीछे वाले में भी आप इजीली पैर यहाँ पे जा रहे हैं, पैर यहाँ पे सुरक्षित रहेगा पिलियन राइडर के लिए भी। और बाकी सब सही है दोस्त, वीडियो कैसे जल्दी से ख़त्म, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत सारे रुके जा रहे हैं बार बार, क्या हो गया कर, देख सकते हो सब लोग देख रहे हैं हमी को, उनको लग रहा है कि गाड़ी का सच में क्रैश हो गया, तो वो लोग मदद के लिए रुक रहे हैं, बता के वापस ले रहा हूँ। हमारी गाड़ी सुरक्षित है अभी, अभी नहीं हुआ हमारा क्रैश, ऐसी टेस्ट चल रही था, तो चलो अब गाड़ी को वापस उठा लेते हैं। बहुत लोग यहाँ पर रुक रहे हैं गाड़ी को देख के, तो फाइनली ये रहा अपना रिजल्ट, बाकी पूरी गाड़ी ऊपर थी तो कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं हुआ गाड़ी को, गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित है। एक बार और आप लोगों को दिखा देता हूँ पास से, बस देख सकते हो अंदर वाले हम सुरक्षित हो, पहले से स्क्रैच आया हूँ थोड़ा ऊँटी वाला, अभी का नहीं है पहले के स्क्रैच, मस्त रहेगा गाड़ी का ओवरऑल लुक, देख सकते हो कैसा आ रहा है। गाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित जाएगी, दोनों तरफ का क्रैश गार्ड का लुक देख सकते हो कि क्रैश गार्ड का लुक कैसा आ रहा है। तो देखा गाइस ने हमारी गाड़ी का क्रैश गार्ड जो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से गाड़ी को पूरी सुरक्षित कर लेगा, तो आप लोग भी क्रैश गार्ड लगा के रखना और हेलमेट हमेशा वेयर करना ताकि क्रैश में आप सुरक्षित रहो। तो अपना ये क्रैश गार्ड, तो ये सिंगल स्लाइडर है, डुअल स्लाइडर भी आता है इसमें, चाहो तो वाला लगा लेना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ये भी अच्छा है। और इसकी क्वालिटी थोड़ा कम लगा था मेरे को, अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक बार ये क्रैश हुआ था, तो मतलब क्रैश नहीं हुआ था, गाड़ी से ठूका था कार से, तो ये पूरा बैंड हो चुका था, जिसको मैंने गर्म करके सीधा करा के फिर से लगवाया। तो फिलहाल ये था आज की वीडियो, तो चलो बाय बाय टाटा। तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर लेना लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों। चलो बाय बाय, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।